हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी CCMN काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर रहे हैं या CCMN का स्पेशल राउंड पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट एंड पॉइंट तक ज़रूर देखना। मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स मेरे होते हुए किसी स्टूडेंट का इतनी मेहनत करने के बाद, सीट मिलने के बाद एडमिशन कैंसिल हो जाए। हाँ, अगर रेगुलर राउंड में किसी स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल हुआ है तो या तो उस स्टूडेंट को हमारे चैनल के बारे में पता नहीं है या उसने सही टाइम पे हमारे चैनल को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया। बातों में आपको गोल गोल घुमाना उलझाना मेरा काम नहीं, सीधा चलते हैं मेन पॉइंट पे। तो जिन स्टूडेंट ने रेगुलर राउंड में सीट मिल गया और उन्होंने अपनी सीट को फ्रीज कर लिया है, जो स्टूडेंट अपनी सीट को फ्रीज कर चुके हैं, सबसे पहले तो वे स्टूडेंट ध्यान दीजिए। और जो स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करें वो भी वीडियो पे बने रहें, उनको भी मैं स्पेशल एडवाइजरी देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने सीट को फ्रीज कर दिया है तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर कन्फ्यूज हो रहे थे कि सर हमने सीट को फ्रीज कर दिया है तो क्या हमारा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग 8 से 12 अगस्त के बीच होने वाला है, क्या 8 से 12 अगस्त के बीच होने वाला है? जी नहीं स्टूडेंट्स, आपकी जो CCMN पोर्टल पे शेड्यूल में डेट देर की है फिजिकल रिपोर्टिंग की 8 से 12 अगस्त, वो फिक्स नहीं है, वो सही नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से रीड करोगे तो उसमें नीचे दे भी रखा ब्रैकेट में कि आपका जो डेट है वो आपकी NIT या आपका जो इंस्टीट्यूट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज होगा। हालांकि CCMN को ये डेट नहीं लिखना था, पिछले सालों में भी उन्होंने ये डेट नहीं डाला था, क्योंकि ये जो फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है या आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है, ये डिपेंड करेगा आपके इंस्टीट्यूट पे। ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करेगा। कोई भी NIT, कोई भी इंस्टीट्यूट 8 से 12 अगस्त के बीच अपना फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है इसका भी मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट से। हाँ, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो सकती है इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर आपके भी दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग 8 अगस्त को नहीं है तो फिर कब है, आप बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं इस डाउट को अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगा, कौन सा करेक्ट डेट होगा, वो डिपेंड करेगा आपके इंस्टीट्यूट पे। और उस डेट का पता कैसे चलेगा? उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे स्पेशल नोटिफिकेशन आएगा, MSc वाले बच्चों का स्पेशल नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, आपका जो भी NIT है, वो अपने ऑफिशियल साइट पे नोटिफिकेशन डालेगा। मतलब कि सीधे सरल शब्दों में अगर आपको कहूँ तो आपकी जो डेट है फिक्स डेट फिजिकल रिपोर्टिंग की, वो आपकी NIT पे डिपेंड है और आपकी NIT इसके रिगार्डिंग स्पेशल नोटिस देगी। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या सर हमें कॉल या ईमेल आएगा? स्टूडेंट्स, कोई भी कॉल या ईमेल नहीं आएगा। आपको अपनी जो NIT है, इंस्टीट्यूट है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को रोज चेक करते रहना है। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि सर हमने 8 अगस्त का अपनी NIT के लिए ट्रेन का टिकट बुक कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ऐसी गलती आप मत कीजिए। किसी भी स्टूडेंट को बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना NIT से कंफर्मेशन के कोई टिकट, कोई रिजर्वेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको NIT से कंफर्म करना है, आपको अपनी NIT से कंफर्म करना है, और कंफर्म करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपकी NIT पे जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे NIT वरंगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ चुका है, NIT कलिकट का भी शायद आ गया है, और भी कुछ NITs का फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए डेट आ गया है, और NIT पुडुचेरी का भी डेट आ गया है। जिन बच्चों ने NIT पुडुचेरी को फ्रीज कर दिया है, जो भी बच्चे NIT पुडुचेरी को फ्रीज कर चुके हैं, उनके लिए हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए NIT पुडुचेरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ गया है कि आपको लगभग 25 जुलाई तक हॉस्टल के लिए फीस पे करना होगा, तभी आपको हॉस्टल अलॉट होगा, यानी आपको एडवांस में हॉस्टल बुक करना होगा। हो सकता है कि बाद में हॉस्टल में सीटें ना हो तो आपको बाद में ना मिल पाए। ऐसे ही आपका NIT इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ चुका है, NIT इलाहाबाद अगर किसी को मिला है, और जिन बच्चों ने NIT इलाहाबाद को फ्रीज कर दिया है, जिन बच्चों ने NIT इलाहाबाद को फ्रीज कर दिया है उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, NIT इलाहाबाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करवा रही है और ऑफलाइन रिपोर्टिंग भी करवा रही है। NIT इलाहाबाद का 12 जुलाई से 16 जुलाई तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, यानी NIT इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है, उसमें आप डाउनलोड करके आप देख पाएंगे, सारा डिटेल है कि कैसे आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है। और फिजिकल रिपोर्टिंग आपका 15 अगस्त के बाद होगा, तो उसका भी आपको NIT इलाहाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह बाकी इंस्टीट्यूट और NITs भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन रिलीज करेगी कि उनका फिजिकल रिपोर्टिंग का MSc वाले बच्चों के लिए क्या डेट है। तो स्टूडेंट्स, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना इन्फॉर्मेशन के ऐसा कोई कदम उठाना नहीं कि हमने वो सीट बुक कर दी, हमने फ्लाइट की सीट बुक कर दी, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको कन्फर्मेशन कर लेना है और
चैनल से जुड़े रहिए, आप कमेंट कीजिए, आपको वहाँ पर भी पूरा कंफर्मेशन के साथ ही रिप्लाई दिया जाता है। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है कि जो स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करें, अब ध्यान दीजिए, जो स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट करें उनका ये सवाल है कि क्या सर हमें भी वो प्रोसेस फॉलो करना होगा क्या, जैसे NIT वरंगल की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है, कलिकट की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है, पुडुचेरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है, इलाहाबाद के लिए आ चुका है, और भी बहुत सारी NITs का आने वाला, तो हमें भी कुछ करना होगा क्या? जी नहीं, जो स्टूडेंट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं करना है जब तक उनका इंस्टीट्यूट फाइनल नहीं हो जाए, जब तक उनका इंस्टीट्यूट फाइनल नहीं हो जाए तब तक उनको कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि वो स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट ही ना करें, उसके लिए रजिस्ट्री ना करें। जो स्टूडेंट स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको रेगुलर में भी सीट मिल चुकी है तो उनको PI रिपोर्टिंग करना है, जैसे आपने लगभग ने कर दिया होगा। उसके बाद में 19 जुलाई से आपकी स्पेशल राउंड स्टार्ट होंगे तो आपको स्पेशल राउंड के लिए रजिस्टर करना है, और 6 अगस्त को आपका ये डिसाइड हो जाएगा कि आपका फाइनल इंस्टीट्यूट कौन सा है, यानी जो स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका फाइनल इंस्टीट्यूट कौन सा है वो 6 अगस्त को डिसाइड होगा। तो जो स्पेशल राउंड को पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए अलग से डेट आएगा, उनके लिए अलग से डेट आएगा कि उनको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है, उनके हॉस्टल कब बुक होने वाले हैं, उनका अलग से सेपरेट डिटेल आएगा। हो सकता है जो NIT वारंगाल का कलिकट का है ये डेट दोनों का सेम हो जाए, आप वो एक्सटेंड भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। आपको अपनी NIT की ऑफिशियल वेबसाइट से हमेशा जुड़े रहना है और हमारे चैनल से भी आपको हमेशा जुड़े रहना है। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि क्या सर रेगुलर राउंड वाले स्टूडेंट की क्लास और स्पेशल राउंड वाले स्टूडेंट की जो क्लास है वो क्या एक साथ स्टार्ट होगी? जी हाँ स्टूडेंट्स, जिनको रेगुलर राउंड में सीट अलॉट हो चाहे कि स्पेशल राउंड में सीट अलॉट हो, उनका ओरिएंटेशन और क्लासेस हैं या कोर्स रजिस्ट्रेशन है वो लगभग सबका एक साथ ही स्टार्ट होने वाला है, वो सबका एक साथ ही स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि रेगुलर राउंड वाले का क्लास से पहले स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशल वाले बेचारे एक महीने बाद क्लासों को अटेंड करेंगे, उनको कुछ समझ भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका क्लासेस एक साथ ही स्टार्ट होगा। मैंने पूरे डाउट आपके क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्यूरी है, कोई सवाल है तो फ्रेंड्स कमेंट करके आप जरूर बताएं, आपका हमेशा स्वागत है। और आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में निष्पक्ष रहना चाहते हैं, पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हम हैंडल करेंगे। एडमिशन फॉरम से लेकर आपका लास्ट ऑफर लेटर नहीं मिलता, आपका फर्स्ट क्लास नहीं होती IIT NIT में, तब तक आपका पूरा हेल्प सपोर्ट हम स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एडमिशन फॉरम कैसे सबमिट करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, इसमें डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने, और आपका फाइनल सबमिट होने से पहले हम खुद क्रॉस चेक करेंगे, इसके बाद में सीट मिलने के बाद में सीट को अपग्रेड कैसे करना है, फ्रीज कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, अगले राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे करने हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग में हमें क्या क्या करना होगा, और ऑफर लेटर कैसे हमें मिलेगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस ऑथेंटिक कंसल्टेंसी आपको मेरे द्वारा मिलती रहेगी। और कभी भी आप पर्सनली मेरे से कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, कॉलेज को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, करियर अपॉर्चुनिटी को लेकर, या किसी भी प्रकार के डाउट जो है आप क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स से। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आप हमारा मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर एक बिल रिसिप्ट मिलेगा जो आपके ईमेल पे आ जाएगा, और जो फीस है कितनी है IIT JM काउंसलिंग के लिए कितनी है, CCMN के लिए कितनी है, ये सारा डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। IIT JM काउंसलिंग की अभी न्यूनतम फीस आप पे करके रजिस्टर कर सकते हो, कुछ दिन बाद में ये जो फीस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी स्टूडेंट से। अदरवाइज़ आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप पर आपको और अधिक जानकारी या वेबसाइट का लिंक वगैरह आपको असिस्टेंट के द्वारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।